हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्लोज टेस्ट को हम किस तरीके से जल्दी एक्यूरेसी के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स में। तो इस वीडियो में मैंने एक 10 क्वेश्चन का एक क्लोज टेस्ट लिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोज टेस्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और इस क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने से पहले इस ऑफर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वोकैबुलरी का बहुत बड़ा रोल होता है इंग्लिश सेक्शन को निकालने में किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, क्लोज टेस्ट हो, फिलर्स हो, पैराजम्बल हो, उसमें वोकैबुलरी का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसी को देखते हुए इंग्लिश एडवांटेज टीम ने 2500 वर्ड्स का ये कलेक्शन तैयार किया है और इस पूरे कलेक्शन को आप केवल 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इनको आसानी से आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लोज टेस्ट की। देखिए, ये है क्लोज टेस्ट और SBI PO प्री में और क्लर्क प्री में, SBI क्लर्क प्री में 10 क्वेश्चन का एक क्लोज टेस्ट पूछा जा सकता है। 10 क्वेश्चन के आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं और 10 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आ सकते हैं। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन का आपका पूरा पेपर होगा, SBI PO 2018 और SBI क्लर्क 2018। और ये काफ़ी स्कोरिंग रहता है, यदि आप इसको सही तरीके से करते हैं तो काफ़ी स्कोरिंग ये हो सकता है। इसमें एग्जामिनर आपकी वोकेबलरी का टेस्ट लेना चाहता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट लेना चाहता है और निश्चित रूप से आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है उसका भी इसमें टेस्ट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, यहाँ से देखते हैं। देखिए, ये नए पैटर्न का क्लोज टेस्ट है। इसमें यहाँ पर एक वर्ड दिया रहता है और यदि ये वर्ड ऑलरेडी सूटेबल है इस फिलर में तो आपका जो आंसर होगा वो होगा नो चेंजेस रिक्वायर्ड। ये पांचवा जो ई जो है ये आंसर होगा। और यदि इसमें चेंजेस की ज़रूरत है तो यहाँ पर से आपको इसको रिप्लेस करना है, जो चार वर्ड दिए हैं उसके थ्रू आपको इसको रिप्लेस करना है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ द डॉक्यूमेंट्री वॉज बाय अनुभव इन द ईयर 2007। देखिए, डॉक्यूमेंट्री क्या होता है, एक छोटी सी मूवी होती है जिसमें एक छोटा सा नरेटिव होता है जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं किसी इंसिडेंट को, किसी स्टोरी को, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, ये टीवी पर दिखाई जाती हैं इस तरह की मूवीज़। तो आइडिया ऑफ द डॉक्यूमेंट्री वॉज बाय अनुभव इन द ईयर 2007। देखिए, जो कोई किसी भी चीज़ को जब हम मटेरियलाइज करते हैं, उसको सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका आइडिया हमारे दिमाग में आता है और उस आइडिया जब दिमाग में आता है तो उसको हम बोलते हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कंसीव्ड। उस आइडिया का जन्म हुआ हमारे दिमाग में, तो उसके लिए जो वर्ड है वो कंसीव्ड। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, ये डिसीव जो वर्ड है ये गलत है। डिसीव का अर्थ होता है धोखा देना, तो ये वर्ड यहाँ पर गलत है और यहाँ पर आएगा आपका कंसीव्ड। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर आपका आंसर होगा बी। ठीक है, द आइडिया ऑफ द डॉक्यूमेंट्री वॉज कंसीव्ड बाय अनुभव इन द ईयर 2007 वाइल ही वॉज, उसके दिमाग में जो आइडिया आया डॉक्यूमेंट्री का, उसने जब कंसीव किया उस समय वो क्या कर रहा था। वाइल ही वॉज मतलब जिस समय वो कर रहा था, तो वाइल ही वॉज टू हिज अंडर ग्रेजुएट कोर्स को क्या कर रहा था, अंडर ग्रेजुएट कोर्स को। अब यहाँ पर टू वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टू प्रपोजिशन दिया हुआ है, तो इसके साथ यहाँ पर जो वर्ड जुड़ेगा वो जुड़ेगा अटेंडिंग। ठीक है, हम कॉलेज को अटेंड करते हैं, तो वाइल ही वॉज अटेंडिंग टू हिज अंडर ग्रेजुएट कोर्स द वेस्टर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रपोजिशन आएगा, जब हम किसी पॉइंट की बात करते हैं तो उसको दिखाने के लिए हम हमेशा एट का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग नहीं करते। इन का प्रयोग हम करते हैं बड़े एरिया को दिखाने के लिए, जैसे ही इज़ लिविंग इन अमेरिका। ठीक है, ये एक पॉइंट है वेस्टर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर जो सही आपका प्रपोजिशन होगा वो होगा एट। अंडर ग्रेजुएट कोर्स एट द वेस्टर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली इंडिया एज ए पॉसिबल फॉर एन एनुअल इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन। तो यहां पर ऑप्शन क्या दिया है, फोर में ऑप्शन दिया है एनिमिटी। एनिमिटी का अर्थ होता है दुश्मनी, तो दुश्मनी का तो यहां पर कोई सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली किस चीज की बात हो रही है कि वो अनुभव जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर कर रहा था जिसमें वो इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता था और इंडिया एज ए पॉसिबल फॉर एन एनुअल इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन। कंपटीशन के अंदर हम क्या डालते हैं, कंपटीशन के अंदर हम एक एंट्री डालते हैं ताकि हम भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो फोर में आपका जो आंसर होगा वो होगा एंट्री, इंडिया एज ए पॉसिबल एंट्री। एंट्री फॉर व्हाट, एंट्री फॉर एनुअल इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन।
ठीक है, अब हम फिफ्थ में देखते हैं साइफ स्टूडेंट इन फ्री इंटरप्राइज कंपटीशन, तो यहां पर आएगा, यहां पर आप लगा सकते हैं कंपटीशन फॉर, जो कंपटीशन था वो किसके लिए था, साइफ के लिए था, फॉर साइफ स्टूडेंट इन फ्री इंटरप्राइज। और सिक्स में देखते हैं हम, सिक्स में आप आगे देखिए क्या है, हिज इंस्टीट्यूशन रिजेक्टेड हिज। अब यहां पर देखिए कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहां पर कॉन्ट्रास्ट का हमें कैसे पता पड़ा, यहां पर हमें कॉन्ट्रास्ट का पता पड़ा जो निगेटिव वर्ड एकदम से आया है, यहां पर ये रिजेक्टेड वर्ड आया है जो कि निगेटिव वर्ड है। तो उसने कंपटीशन के लिए अपनी एंट्री को फिल किया, लेकिन यहां पर उसका रिजेक्शन हो गया। तो यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, यहां पर केवल हम बट ही लगा सकते हैं, बट हिज इंस्टीट्यूशन रिजेक्टेड हिज, रिजेक्टेड हिज किस चीज को रिजेक्ट किया, उसका जो प्रपोजल था उसको रिजेक्ट किया। तो यहां पर प्रॉस्पेरस नहीं आएगा, यहां पर प्रपोजल वर्ड सही रहेगा। ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब किस वजह से, किस वजह से उसका प्रपोजल जो था वो रिजेक्ट हो गया, ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फीजेबिलिटी, नॉन फीजेबिलिटी मतलब वो सूटेबल नहीं था, वो फीजेबल नहीं था, वो प्रैक्टिकेबल नहीं था, नॉन फीजेबिलिटी। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर देन दिया हुआ है, तो देन के साथ यहां पर क्या वर्ड जुड़ेगा, एट में यहां पर जुड़ेगा सिंस, सिंस देन ही इज इंडिपेंडेंटली वर्किंग, मतलब तब से जब से उसका प्रपोजल रिजेक्ट हुआ है तब से वो, सिंस देन का मतलब होता है कि उस समय से, उस पॉइंट से, ठीक है। सो सिंस देन ही इज इंडिपेंडेंटली वर्किंग ऑन दिस डॉक्यूमेंट्री एंड हैज। अब हैज के साथ क्या वर्ड आ सकता है, आप देखिए, यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने अच्छी तरीके से समझा है, तो यहां पर हैज इंटरव्यूड, तो यहां पर हम लगा सकते हैं हैज ऑलरेडी इंटरव्यूड, क्योंकि हैज के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम प्रयोग करते हैं, हैज ऑलरेडी इंटरव्यूड फेमस पर्सनैलिटीज फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ स्फीयर, फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ होता है, या तो आप बोलिए फ्रॉम ऑल स्फीयर्स, लेकिन यदि वॉक आ जाता है वहां पर तो आपको लाइफ ही लगाना पड़ेगा, फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। और जब से उसका प्रपोजल रिजेक्ट हुआ है तब से वो, ही हैज ऑलरेडी इंटरव्यूड फेमस पर्सनैलिटी फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, और अलग अलग लाइफ के जो अलग अलग एरियाज हैं वहां से वो हजारों पर्सनैलिटीज को इंटरव्यू कर चुका है। तो इस तरीके से इसको आपको फिल करना है, ये है क्लोज टेस्ट, और इस तरह का क्लोज टेस्ट बैंकिंग और एसएससी दोनों ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका फ्रेजल वर्ब किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड जाएगा उस पर आपका कमांड होना चाहिए, टेंसेस पर आपका कमांड होना चाहिए, और कॉम्प्रिहेंशन यानी आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए कि पैसेज में क्या कहा जा रहा है। ये एक ऑफर इंग्लिश एडवांटेज टीम की तरफ से दिया जा रहा है, जिसको स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और इस ऑफर के अंतर्गत हम एक कोर्स की फीस में तीन कोर्स आपको दे रहे हैं, ठीक है। ये तीन कोर्स जो हैं, ये बैंक पीओ के, बैंक क्लर्क के और एसएससी सीजीएल के फुल कोर्स हैं, इंग्लिश के और जीके के, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। एक कोर्स की फीस वैसे 2450 है, ये तीन कोर्स 7000 रुपये के हैं, लेकिन आप 2450 रुपये में इनको आप ले सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरा नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है, इसके थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। और ये वोकेबलरी ई बुक्स हैं, 6 ई बुक्स हैं, इसमें 2500 वर्ड आपको सारे मिल जाएंगे, सारे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस, निमोनिक ट्रिक्स, पिक्चर्स के साथ इसमें बताया है। तो ये ई बुक्स भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और पेटीएम के थ्रू भी इन ई बुक्स को आप ले सकते हैं और अपनी सफलता आप सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो क्लास में मैंने आपको क्लोज टेस्ट ट्रिक्स बताई हैं, इसको आप बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो क्लास, इसको लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को भी ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे, थैंक यू।